सो भाइयों, ये है गंगा का काफी खूबसूरत व्यू, देख सकते हो। और ये देखो, जूम करने पे मुझे क्या दिख गया। और फॉर्चुनर तो बिल्कुल बीच में आ गया, और ट्रैफिक लग गई है काफी ज्यादा। तो ये जो देख सकते हो सामने का गुरुद्वारा दिख रहा है हमें, वो बिल्कुल सामने। तो ये देखो गाइस, ये है गंगा नदी। अपना यहाँ पे मैं गायघाट देख सकते हो, थोड़ा चढ़ाऊ रास्ता है, तो समझो कि हम फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं। तो ये एक टाइम का एशिया का सबसे बड़ा जो है गांधी सेतु ब्रिज है। एक टाइम इससे बड़ा कोई ब्रिज नहीं था, और अब तो थोड़ा पॉल्यूशन हो गया है, बट जब मैं बचपन में इधर आता था पापा के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एकदम क्लीन इन्वायरमेंट, अभी भी क्लीन है, क्योंकि गंगा नदी के ऊपर क्या पॉल्यूशन रहेगा। और उस साइड खेत है, और उधर से आने वाली इधर हवा होती है, तो काफ़ी
दे रही है, ये दिक्कत है यहाँ पर। अब अंकल से कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर रेगुलर जाम होता है क्या, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद आ रहा हूँ। डेली जाम रहता है क्या? आगे जाम होगा कि खुला हुआ है? क्लियर है पर। तो गाइस कंफर्मेशन तो मिल गया। अभी तो काफ़ी टाइम बाद आना हुआ है, तो इधर का अच्छा एक्सपीरियंस है। एक टाइम ये यहाँ पर जो अपने साइड में दो रोडें दिख रही हैं, दो सड़कें हैं, एक सड़क पर मैं जा रहा हूँ, एक अपोजिट साइड में आने वाले लोगों का है। एक टाइम ऐसा था कि एक ही सड़क थी, बीच में एक डिवाइडर था, आने जाने वाले सिर्फ एक ही मतलब एक ही पुल से जाते थे। अभी दो पुल बन गए हैं यहाँ पर। और एक टाइम ये भी था कि अगर यहाँ पर एक बस मतलब हेवी ओवरलोडेड अगर बस जा रही है, ट्रक जा रही है, तो पूरा का पूरा जो पुल है वो हिल जाता था, मतलब ऐसे जर्जर स्थिति में था। लेकिन अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और सड़क की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैं तो अभी नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ, मुझे क्योंकि मैं तो ब्लॉक बनाने आया हूँ, मैं किस स्पीड चेक करने, क्योंकि अगर मैं स्पीड चलाऊँ तो ये पुल जो है आई थिंक 2 से 3 मिनट काफ़ी है पार करने में, हार्डली 5 मिनट। तो अभी भी आई थिंक ये 12 मिनट या 15 मिनट में समथिंग पार हो जाएगा अगर हम नॉर्मल स्पीड में चलाएँ। तो एक टाइम का एसी का क्लियर दिख रहा है आपको कैमरे में, मुझे तो दिख रहा है अच्छे से। तो ये पूरा का पूरा जो है वो केले का